हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आपके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपकी भी और हस्बैंड की भी, और आप ट्राई भी कर रहे हैं, सही समय पर संबंध भी बना रहे, पर फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा। ऐसे हमारे कई व्यूवर्स हैं, कई पेशेंट हैं जो हमसे बोलते हैं कि हमारे तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हमें बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा। इसका सबसे मेन कारण क्या होता है? देखिए, जब भी आप लोग ये सोचते हैं कि हमें बच्चा इसी मंथ रुक जाए, ये एक खाना तो है नहीं, हम कि एक बार हमने खाया और रुक गया, है ना। कई लोगों के लक अच्छे होते हैं तो वो 1 मंथ में भी कंसीव कर लेते हैं। अब जैसे हम लेट्रोजोल टैबलेट का ही हम देखें, इस पर मेरे वीडियो है ना, अगर आप लोग देखते हैं, आप हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि लेट्रोजोल लेने से क्या होता है। लेट्रोजोल हमारे एक की क्वालिटी को एक को रिलीज़ करती है, अच्छा वाला एक लेके आती है और हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करती है। अब पेशेंट ये सवाल करते हैं कि मैम, हम लेट्रोजोल ले रहे, क्या इसी मंथ हमें प्रेगनेंसी रुक जाएगी? देखिए, ये कोई एक जादू टोना तो है नहीं कि हमने एक बार खाया और काम हो गया। कई पेशेंट को 1 मंथ भी कंसीव हो जाता है, कई पेशेंट को 6 मंथ भी लग जाते हैं, कई पेशेंट को 1 ईयर भी लग जाता है, किसी किसी पेशेंट को इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो जब भी आपको कंसीव करना है तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम 1 महीने में कंसीव कर लेंगे, ठीक है। अब आप ट्राई करते रहिए, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए, साथ में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सबसे मेन होता है कि आपके पीरियड्स कंटिन्यू होने चाहिए। अगर पीरियड्स कंटिन्यू है, पीरियड्स टाइम पे आते हैं, तो पीरियड में ब्लीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, PID नहीं होना चाहिए, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि बच्चेदानी पे सूजन नहीं होनी चाहिए, ब्लड की भी कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से हम देखें तो फीमेल पेशेंट भी एकदम स्वस्थ एंड परफेक्ट होनी चाहिए। पेशेंट को किसी भी तरह का कोई माइंड स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यानी कि मानसिक तनाव, कोई दबाव या फिर किसी भी चीज़ को लेके पेशेंट परेशान नहीं होनी चाहिए। कई बार फैमिली वाले भी काफ़ी प्रेशर करते हैं कि इतने ईयर हो गए आपकी शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा वैसा कई बातें फैमिली के साथ रहते तो कई बातें होती। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप माइंडली मत लीजिए, आप एक चीज़ पर फोकस करिए कि हम लोगों को अच्छे से रहना है, खुश रहना है हमेशा। और देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी है, हेल्दी डाइट ले रहे, तो कंसीव तो हो ही जाएगा, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब किसी को जल्दी कंसीव हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एकदम हिम्मत हार जाए और आप ये सोचे अब मुझे बच्चा नहीं होगा, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम जानते हैं कि आपके लिए कौन से ऐसे फूड्स है जिसको आप लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और ये हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो आपका पीरियड साइकिल रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि 28 डेज, 30 डेज या 32 डेज की। साथ ही में आपको ओवुलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको ओवुलेशन के बारे में नहीं पता है तो इस पर मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। ओवुलेशन डेज कैसे काउंट करते हैं, इस पर भी मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जाकर के देख सकते हैं। तो जब भी एक बार ही अगर आपने अपने हस्बैंड का सीमन एनालाइज रिपोर्ट नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, उसमें आप देख लीजिए, या अपने नियरेस्ट डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका नियरेस्ट डॉक्टर अच्छे नहीं है, आप किसी कारण से अगर अपनी पूरी डिटेल उनको शेयर नहीं कर पाते हैं, या आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आप पे ध्यान नहीं दे रहे या आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, प्रोसीजर क्या है, वो लोग आपको बता देंगे, हमारी टीम के लोग कॉल अटेंड करते हैं। ओके, देखिए, आपने अगर हस्बैंड का रिपोर्ट करवा लिया है, सीमन एनालाइज रिपोर्ट नॉर्मल है, तो फिर हमको ये देखना होता है कि आपकी एग की क्वालिटी कैसी, एग कितने रिलीज हो रहे, टाइम पर रप्चर हो रहे नहीं हो रहे,
और उस टाइम आप लोग साथ में रहते या नहीं रहते। कई चीजें प्रेगनेंसी रोकने के लिए मायना रखती है, ऐसा नहीं है कि बस हम साथ में रह रहे हैं और हमें प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कई पेशेंट को रुक भी जाती है, किसी को नहीं रुकती है। कई लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई सालों तक लेते हैं, IVF करवा लेते हैं, IUI करवा लेते हैं, फेल हो जाते हैं। ओके, तो इतने निराश होने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका पीरियड्स आ गया, पीरियड्स के 5वें दिन में आप लोग फ्री हो जाते, तब से आपको हमारे जो तिल होते हैं वाइट तिल, उनको आप 5 ग्राम पर डे खाना शुरू करिए। 5 ग्राम कितने होते हैं, एक छोटा सा इतना सा ढक्कन होता है, उसमें आप इतने अगर तिल लेंगे तो पर डे उसको खाना शुरू करिए। कब तक? मंथली आप खाइए, पर डे खाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्या करता है, हमारी एग की क्वालिटी को बूस्ट करता है, एग की क्वालिटी को बढ़ाता है। सबसे मायना रखता है फीमेल का एग। अगर हस्बैंड का स्पर्म अच्छा है, शुक्राणु इक्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी सब अच्छा है, स्ट्रक्चर, तो फिर फीमेल का एग सबसे पहले सबसे अच्छा वो होना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म तो कई लाखों में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, पर फीमेल का सिर्फ एक ही एग ऐसा होता है जो मैच्योर होता है, और वो एक एक के साथ स्पर्म मिल करके फर्टिलाइजेशन जायगोट बनाते हैं। यानी कि वो एग और स्पर्म मिलता है तो आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन की। ओके, अब आपका पीरियड आ गया 5वें दिन में। 5वें दिन में आप फ्री हो गए, यानी कि नहाने के बाद में पूजन उजन करना जो लोग नियम रखते हैं उन लोगों को ये पता होता है, ठीक है। तो आपके पीरियड के 9वें दिन से, यानी कि जिस दिन आपका पीरियड आया वो पहला दिन था, आप 5 दिन में फ्री हुए, उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 9वें दिन से 17वें दिन तक आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन अगर साथ में रहेंगे तो उसी टाइम प्रेगनेंसी रुकने का 100% चांस होता है। तो जब भी आपके पीरियड्स का 9वां दिन रहता है, आप कैलेंडर पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका पीरियड कब आया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया, ठीक है, 5 तारीख को आप फ्री हो गए यानी कि पीरियड से चले गए, अब 9 तारीख से 17 तारीख तक आपको हस्बैंड के साथ में रहना है, एक दिन छोड़ करके एक दिन। जब भी आप रिलेशन बनाएं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रिलेशन बनाएं, ठीक है, और जब भी आपका रिलेशन की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो वाइफ को कम से कम 10 10 मिनट तक लेटे रहना है नॉर्मल पोजीशन में। अगर आप चाहे तो अपने जब रिलेशन कंप्लीट हो जाए तो साथ में, उसके साथ ही में आप क्या करें, अपने पैरों को ऐसे दीवार से उठा करके, यानी कि पैरों को ऊंचा उठा करके आप रख सकते हैं 5 7 मिनट 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद में आप वॉशरूम जा सकते हैं। और साथ में आपको तिल को खाना है, और साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, शिमला मिर्च, और भी कई हरी पत्तेदार सब्जियां मार्केट में अवेलेबल होती है, ब्रोकली है, एवोकोडा है, ये सब क्या करते हैं, इनमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सभी चीज़ें इनमें अवेलेबल होती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो ये हमारे एग की क्वालिटी को बूस्ट करते हैं। ओके, और साथ में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पर डे पीना है, क्योंकि जो पेशेंट पानी पीने में कंजूसी करती है या जो ज़्यादा पानी नहीं पीती जो पेशेंट, उनको एग की क्वालिटी में काफ़ी अंतर आता है, अच्छा एग नहीं बनता है और टाइम पर रिलीज नहीं होता है, या PCOD PCOS की प्रॉब्लम हो जाती है या ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहिए। पीरियड के 9 से 17वें दिन के तक आपको हस्बैंड के साथ रहना है, एक दिन छोड़ करके एक दिन, और आप तिल और हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज़ करें। अगर आप ये करेंगे और बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे तो हो सकता है 1 मंथ में ही आपको कंसीव हो जाए, ऐसे नहीं कि आप 1 साल तक ट्राई करें, ठीक है। और जब भी अगर आपके पीरियड के 2 4 दिन बढ़ जाते हैं तो तुरंत से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें, अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है ना। और अगर आपको ये वीडियो देखते समय कोई भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।